हाय एवरीवन, इट्स संदीप हेयर फ्रॉम वेट शेक फैक्ट्री। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो की डिमांड हमारे क्लाइंट्स के थ्रू आई है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो पार्टीज़ में जाते हैं या कोई फेस्टिव सीजन में अटेंड करके आते हैं, तो उनका वेट बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा, क्योंकि आप उसमें जब मिठाई खाते हैं, आप स्वीट्स खाते हैं, आप कार्ब्स रिच फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड्स खाते हैं, डोनट्स खाते हैं, तो वेट शूटअप होना है। दैट इज़ 110% शो। अब द थिंग इज़ दैट कि अब आप उस फंक्शन को जब अटेंड करके आ रहे हो, तो तब आप वेट कैसे मेंटेन करोगे। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ 5 टिप्स बताने वाला हूँ। वो 5 टिप्स अगर अपने डाइट में या अपने रूटीन में इंप्लीमेंट कर दो आफ्टर दैट पार्टी और आफ्टर दैट फेस्टिव सीजन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी ही नोटिफिकेशन मिलेंगी। कोई बकवास नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे नहीं आने वाले, एंड विच इज़ इन्फॉर्मेटिव, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपको टिप्स इंप्लीमेंट करना है आफ्टर एनी फेस्टिव सीजन और आफ्टर एनी पार्टी इज कि आपको लो कार्ब पे जाना है। अब लो कार्ब आप कैसे चेक करेंगे? लो कार्ब का मतलब है, पहला आपको पूरे प्रोसेस फूड्स अवॉइड करने हैं ऑलमोस्ट 10 डेज के लिए। 10 डेज आप कोई प्रोसेस फूड नहीं खाएंगे। आप कार्ब्स अगर खाएंगे तो आपका कार्ब सोर्स आना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स से, आपका कार्ब सोर्स आना चाहिए पल्सेस से, आपके कार्ब सोर्स आने चाहिए बेसन चिला से या कॉम्प्लेक्स कार्ब से आने चाहिए। इसके अलावा आप कार्ब सोर्स कहीं से नहीं लेंगे। ये है पहली टिप्स आपको जो उस 10 डेज में इंप्लीमेंट करनी है। सेकेंड टिप्स है आपके लिए कि आपको हाई प्रोटीन करना है। अब हाई प्रोटीन के लिए आप वे की सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप सुपर डाइट प्रोबायोटिक शेक ले सकते हैं, विच इज़ अ प्रोबायोटिक शेक, ओनली प्रोबायोटिक शेक इन इंडिया, आप वो ले सकते हैं। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, आप अगेन उसमें वेजिटेबल्स आते हैं विच आर हाई इन प्रोटीन, ग्रीन वेजिटेबल्स आर हाई इन प्रोटीन, आप वो ले सकते हैं। या तो आप पनीर ले सकते हैं, दैट ऑल्सो कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, या आप प्रोबायोटिक दही ले सकते हैं, वो भी आपको अच्छा हेल्दी सोर्स है प्रोटीन का फॉर ए वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन के लिए आप एग्स ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप सी फूड्स भी ले सकते हैं, यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम देयर ऑल्सो। दैट इज़ माई सेकेंड टिप्स फॉर यू। थर्ड टिप्स आई विल से कि अगर आप फंक्शन के बाद आए हैं और आप चाहते हैं कि जो आपने वेट 3 kg या 4 kg गेन किया है एंड फैट गेन किया है, उसको रिड्यूस करने के लिए आपको अपने कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ इंक्रीज करनी है। मैं यहाँ पे वेट ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग या फंक्शनल ट्रेनिंग हो गया या वॉकिंग हो गया, ये आपको इंक्रीज़ करनी होगी, क्योंकि आपको कैलोरी अब बर्न करनी है जो कैलोरी आपने उस फंक्शन में या उस पार्टीज़ में कंज्यूम किया है। तो इसके लिए आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ अपनी इंक्रीज़ करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको करनी होगी, और अगर आप करते हैं तो आपको उसमें टाइम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर आप 30 मिनट्स कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको 40 to 45 minutes जाना पड़ेगा, और अगर 45 minutes करते हैं तो आपको 1 hour पे आना पड़ेगा, और आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी उस फिजिकल एक्टिविटीज़ में। वॉक में आपको ब्रिस्क वॉक पर आना पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ानी होगी अगर वो कैलोरी और फैट बर्न करना है तो। फोर्थ पॉइंट मेरा है कि आपको डिनर में हर दिन उस 10 डेज में सैलड्स या वेजिटेबल जूस पीने हैं। इसके अलावा आप कुछ भी फूड्स नहीं खा सकते। आपको प्रोसेस फूड्स अवॉइड करने हैं, राइस अवॉइड करनी है, दाल अवॉइड करनी है, आपको या तो वेजिटेबल के जूस पीने हैं, और अगर आपको कुछ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स भी खा सकते हैं साथ में, बॉयल्ड एग। आई विल नॉट रिकमेंड टू ईट चिकन, क्योंकि एग्स आपका ईजिली डाइजेस्टेबल है तो आप वो कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि डिनर के बाद आपकी बॉडी का डाइजेशन स्लो हो जाता है। डिनर का मेरा मतलब है नाइट में आपकी बॉडी का डाइजेशन स्लो हो जाता है तो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो इसके लिए मोस्टली आई विल रिकमेंड या तो आप वेजिटेबल सैलड खाएँ या तो आप जूस पिएँ, और अगर आपको भूख लग रही है और आप नॉन वेज एग्स खाते हैं तो आप बॉयल्ड एग खा सकते हैं 3 or 4 pieces एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट। अब फिफ्थ पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा एंड द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज़ दैट कि आपको वॉक करनी है। जो भी आपका हैवी मील है, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो आपका लंच है या डिनर है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि वो हैवी मील होनी चाहिए। अगर आपकी हैवी मील है तो आप, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका इवनिंग का स्नैक्स ही क्यों ना हो, आपको वॉक करनी है। 20 मिनट्स वॉक करनी है आपको आफ्टर एवरी मील्स, चाहे आप हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाहे आप हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या चाहे आप हैवी लंच या हैवी डिनर कुछ भी कर रहे हैं, आपको वॉक करनी है 20 मिनट्स। ये 5 टिप अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो वेट गेन हुआ है उस फेस्टिव सीजन में वो लूज़ हो जाएगा। आप अपना पहले का जो शेप है, जो आपकी बॉडी में वेट है आपका, वो आप पा लोगे, और हमें थैंक यू करना मत भूलना जब आपका वेट वापस आ जाएगा। और अगर आपको डाइट प्लान
चाहिए, लाइक आप चाहते हो कि आपका कोई डाइट कस्टमाइज करे, आपको कोई फॉलोअप करे डेली बेसिस पे, आपको कोई डाइटिशियंस की हेल्प चाहिए, तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर कॉल करिए। हमारे डाइटिशियंस, सारे सर्टिफाइड डाइटिशियंस आपको कनेक्ट करेंगे आपसे, कोई क्वेरीज होंगी आपकी जिसको रिजॉल्व करेंगे, और आपकी जो डाइट हम जो कस्टमाइज़ करते हैं वो एक बायोलॉजिकल साइकिल पे कस्टमाइज होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारी डाइट नहीं ट्राई की है तो यू शुड ट्राई। बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।